दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल सीजन मस्ती में। आज हम आपको बाल्टी से गमला बनाना सिखाएंगे। ये बाल्टी आमतौर पर सभी घरों में आसानी से मिल जाती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ बाल्टी ना हो। सबसे पहले लेंगे ग्रीस। चिकनाई के लिए मैं ग्रीस ले रहा हूँ। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल या मोबिल ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसे बाल्टी के अंदर ऊपर से नीचे अच्छी तरह लगा लेना है, इसके बेस में भी अच्छी तरह लगाना है। ये ग्रीस या कुकिंग ऑयल या मोबिल ऑयल लगाने का हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हमारा गमला बनके तैयार हो जाए सूख जाए तो निकालने में कोई दिक्कत ना हो, बड़े प्यार से निकले। अब एक गिलास में सूखा सीमेंट लेंगे। पानी डाल के इसे एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसका हम ज़्यादा पतला घोल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा तो वो ढंग से चिपक नहीं पाएगा। घोल तैयार करने के बाद इसे हमें बाल्टी में डालना है। और इसकी हमें लेयर बनानी है ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह, कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। जितनी अच्छी लेयर बनेगी उतना ही गमला आपका बाहर से स्मूथ बनेगा, फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आएगी। हमने लेयर कर ली, अब इसके ऊपर सूखा सीमेंट छिड़क देंगे ताकि जो मटेरियल है चिपका रहे इस पर, बाहर ना नीचे ना गिरे। अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। आप किसी बर्तन में रेत लेंगे, मैं दो भाग रेत का ले रहा हूँ और एक भाग सीमेंट का लूँगा। आप चाहे तो एक भाग सीमेंट और एक भाग रेत का भी ले सकते हैं। दो पन्नी में मेरे पास सीमेंट पड़ा था इसलिए मैं इसी में मिला रहा हूँ इसको। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा उतनी ही अच्छी पकड़ बनेगी। अच्छी तरह करनी से या हाथ से मिला लें इसको, जो भी इसमें कंकड़ पत्थर उसे बाहर निकाल दें। अब इसमें पानी डाल के फिर इसका मिश्रण तैयार कर लें। अच्छी तरह ध्यान रहे कि मिश्रण ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्का सूखा। ज़्यादा गीला होगा तो वो जब आप चिपकाएंगे बाल्टी के अंदर तो वो नीचे गिरता जाएगा, इसलिए मोटा रहे ताकि चिपका रहे। ज़्यादा गीला ना होना चाहिए, सूखा सूखा बनाया। अभी हमारा तैयार हो गया। अब हम बाल्टी में इसको चिपकाना शुरू करेंगे हाथ की सहायता से, ऊपर से नीचे तक ऐसे चिपकाते चले जाएंगे दबा दबा के। हाँ, इसे अच्छी तरह करनी इसे चिकना कर लेंगे किनारे किनारे। मेरे पास एक एल्युमिनियम ब्लॉक पड़ा था, मैं उससे भी कर रहा हूँ, करनी से भी कर रहा हूँ। आप चाहे तो
चम्मच का भी यूज कर सकते हैं आपके पास हो तो, अगर ये चीज़ें ना हो तो, या हाथ से भी कर सकते हैं। इसकी किनारी बना लेंगे आप ढंग से, हमें करनी और हाथ की सहायता से इसकी किनारी बना रहा हूँ। इसे लगाते जाएंगे ऊपर से, ऊपर से करनी से दबाते चाहिए, नीचे हाथ रख लीजिए, बड़े आराम से होता है। चारों तरफ इसी तरह कर लेना। फालतू मसाला उसे निकाल देंगे करने की सहायता से। अब हम एक सीमेंट का घोल लेंगे और इसके बेस में डालेंगे, हमें इसका बेस तैयार करना है। सीमेंट का घोल क्योंकि हमने पहले इसका बेस नहीं बनाया था तो बाद में बना रहे हैं, आप चाहें तो पहले भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं एक डिब्बी लगाऊंगा ड्रेनेज होल के लिए ताकि बाद में आसानी से निकाल सकें इसे। मेरे पास दवाई की डिब्बी पड़ी थी उसे ही लगा रहा हूँ, ये लगा दी मैंने, बाद में बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब मैं चम्मच की सहायता से थोड़ी और फिनिशिंग दे रहा हूँ इसे। चम्मच से दोस्तों बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है करनी के मुकाबले। अभी हमारा गमला तैयार हो गया है, इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद ये सूख के ऐसा हो जाएगा। अब हम निकालने से पहले इसे थोड़ी देर धूप में रखेंगे, धूप में इसलिए रखेंगे ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो। धूप में रखने के बाद चारों तरफ से इसे ढीला करेंगे किनारे पे ताकि आसानी से निकल जाए। इसे हल्के से सावधानी से किसी मोटे कपड़े या कट्टे पर रखकर आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना डैमेज हो सकता है। ये देखें दोस्तों कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और ये हमारा गमला बनके तैयार हो गया है। आप भी घर पर बना सकते हैं ऐसा गमला बड़ी आसानी से। ये देखें दोस्त बहुत शानदार गमला है। ये मैंने डिब्बी लगाई हुई है, इसे हम बाद में निकालेंगे। इसकी वजह यह है कि मुझे इसमें पानी भर के 48 घंटे रखना पड़ेगा इसमें पानी भर के, ताकि ये और मजबूत हो सके। अगर इसे निकाल लेंगे तो पानी निकल जाएगा, इसलिए हम बाद में निकालेंगे इसको। ये हमने पानी डाल दिया इसमें,
48 घंटे हो गए दोस्तों, 48 घंटे के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। और ये जो हमने ड्रेनेज होल के लिए एक डिब्बी लगा रखी थी इसको भी निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा हाथ से घुमा के। ये देख, ये देखिए कितनी आसानी से ड्रेनेज होल भी बन गया हमारा। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें।